एम्स 2006 में हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. फाइव कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू सी कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर. इस फिगर के अंदर जैसे ये कनेक्टेड है आपस में. द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन पी और आर इन दोनों पॉइंट के बीच में जो कैपेसिटेंस एंड द कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू और इन दोनों के बीच में. तो सबसे पहले पी और आर के बीच में बात करते हैं. बिटवीन पी एंड आर. अब आप इसको देखो, पी ये पॉइंट है, आर ये पॉइंट है, इसके बीच में ये दोनों और ये तीनों, ये दो इस तरफ हो गए, तीन इस तरफ हो गए. ये दोनों सीरीज में है और ये तीनों भी क्या है, सीरीज में है. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको सपोज सीवन बोल दो, तो 1/C1 सीरीज में ना, तो 1/C1 इक्वल्स टू इन दोनों का C और C है, ये हो जाएगा 1/C + 1/C means 1/C1 equals to हो जाएगा 2/C. दोनों को ऐड कर दो और दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो C1 equals to कितना आ जाएगा, C/2. अब एक बात है कि अगर ये दोनों सेम कैपेसिटेंस होते हैं ना, तो आप सीधा ना सीरीज के अंदर होते हैं ना, तो 1 और 2 दो जने हैं और दोनों का सेम है, तो आप C/2 डायरेक्ट कर सकते हो, और तीन होते तो C/3 कर लेंगे. तो इस तरफ अगर इन तीनों के रिजल्टेंट को अगर मैं C2 बोलूं तो डायरेक्ट निकाल दो, C2 इज इक्वल्स टू सीरीज में है और ये तीन है, तो आप सीधा ना, और तीनों क्या है, सेम है, ध्यान रखना. ये भी इसकी कैपेसिटेंस कितना, सी है, इसका सी है, इसका सी है, और तीन है, तो अपॉन थ्री कर दो आप सीधे, और वैसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा. अब इन ये वाला इस पे ये दोनों और ये तीनों ये आपस में देखो, पी और आर के बीच में फाइंड करना है कि आपस में कौन से में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है. तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट फाइनली CPR है ना, पी और आर के बीच में CPR इक्वल्स टू दोनों पैरेलल में, तो C1 + C2 हो जाएगा. पैरेलल कौन कौन है, ये दोनों और ये तीनों, इनका कॉम्बिनेशन आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो ये C1 + C2 हो गया. C1 की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल दी है, C/2 इसकी है C/3, कैल्सियम ले लो 6, ये 3C प्लस ये 2C, ये हो जाएगा 5C/6. अब इसने बोला है बिटवीन पी एंड क्यू ऑल्सो, तो पी एंड क्यू के बारे में इधर बात कर लेते हैं. ये पी और ये क्यू, तो ये पी क्यू है ना, तो ये सारे ये देखो पी क्यू के इस तरफ वाले सारे जो है ना आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इन इन सब का रिजल्टेंट है उसको मैं बोल देता हूं C1 C2 ले लेगा, C3 ले लो आप, तो 1 2 3 और ये 4 अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, सीरीज के अंदर इक्वल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर अगर जुड़े हुए होते हैं तो वो गिन लो 1 2 3 4 है, तो C/4 और ये अकेला है इस तरफ, ये तो ये अकेला और इन सबका कॉम्बिनेशन ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, मींस CPQ इक्वल्स टू आ जाएगा इसका ये C + C/4 ऐड करो कितना आ जाएगा 5/4 है ना. अब रेशियो किसका पूछा है इसने, इसने पूछा था रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन PR एंड द कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, यानी कि जो ये पहले निकाला अपॉन ये पूछा है इसने. ये रेशियो का ध्यान रखना जरूरी है कि CPQ/PR पूछा है या PR/PQ पूछा है, पता होना चाहिए. तो हमारे पास CPR/CPQ, ये PR के बीच में, ये PQ के बीच में वैल्यूज क्या क्या आई मेरे पास, ये आ गया 5/6 C, इसका आ गया 5/4 C, ये C से C कैंसिल हो गया, 5/6 × 4/5 इसको ऐसे करो ना, तो 5 से 5 गया, 2 से रिड्यूस हो गया, ये 2 और 3 2/3, तो रेशो क्या आ गया 2:3. अब देखो 2:3 कहाँ पर है, ये सी में पड़ा, तो सी ऑप्शन इसका एक हो गया. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कंसर्ट करके चले तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.